लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुर्गा पूजा सीरीज का ये सेकंड लुक है, यानी कि लुक नंबर 2, एंड ये मैंने क्रिएट किया है ब्लू थीम पे। आप चाहो तो आपके हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। एंड या दिस इज द लुक दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट टुडे यूजिंग ऑल मार्स कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग बिकॉज अफोर्डेबल तो है ही, प्लस बहुत ही ईजी होने वाला है। So let's start with our skin prep first, because for a flawless base you need to prep your skin, like you need to wash your face before makeup, जो मैंने already कर लिया है। And मैंने मेरा favorite face wash use किया है, mild सा face wash। So it's very very important to clean your face before makeup, ताकि कोई oil जो है, dirt जो है आपके face पे ना रहे। स्टेप 2 इज़ ऑफ कोर्स अ टोनर। आप चाहो तो कोई भी रोज़ वाटर स्प्रे यूज़ कर सकते हो। एंड आई लव हाउ दिस प्रेप्स माई स्किन फॉर व्हाट्स टू कम नेक्स्ट। स्टेप 3 इज़ ऑफ कोर्स अ सीरम। आई नोटिस्ड अ लॉट ऑफ योर गाइज, इवन ऑनलाइन ब्यूटी एंथुसियास्ट, स्किपिंग दिस स्टेप। आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस पार्ट मोर। सीरम पेनिट्रेट्स डीपर इन टू द स्किन एंड वो स्किन के अंदर जाके मैजिक की तरह काम कर सकता है। इट कैन मेक योर स्किन स्मूदर, इट कैन कॉम्बैट ड्राइनेस एंड ऑल्सो इट एड्रेस स्पॉट्स। सो आई नो सम वरी अबाउट ब्रेकआउट, बट ट्रस्ट मी, नॉट ऑल सीरम्स आर क्रिएटेड इक्वल। एंड द सीरम दैट आई एम लविंग करंटली इज द टैक कुमकुमादी ग्लो बूस्टिंग सीरम। एंड ये सीरम आयुर्वेदिक है, मतलब नो हार्मफुल केमिकल्स एंड नो वरीज। आई लव द कंसिस्टेंसी, इट्स सुपर लाइट वेट, ऑलमोस्ट फील्स लाइक water. This serum is infused with saffron, ayurvedic actives and essential oils, and itna lightweight hai na, ye itna jaldi skin pe absorb bhi ho jata hai, and also bilkul bhi chipchipa wala baat isme nahi hai. And the best part ki ye har ek skin type ke liye suitable hai, and it's a multitasker product you guys. It reduces dullness, pigmentation, dark spots and also dryness. Main ise last kuch dino se use kar rahi hu, and my skin feels healthier and glows like never before. Aap log bhi agree karoge na is baat se. You can use this serum twice a day, both daytime pe and night time pe. And I know you guys want the link, aapko description box pe mil jayega. If you are ready to elevate your skincare game, then this product is just for you. Don't forget to check my description box. Next, I'm going to apply Mars Scott's Glow Primer, because maine ek ड्यूबी सा प्राइमर यूज़ किया है यहाँ पे, दैट्स व्हाई मैंने कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया। अगर आप डे टाइम पे रेडी हो रहे हो तो मेक श्योर टू अप्लाई सनस्क्रीन आफ्टर योर सीरम एप्लीकेशन, या उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद। सो मैं यहाँ पे मार्स का जो पैलेट है, कंसीलर पैलेट, उसको लेके उसमें से जो ऑरेंज शेड है उसको लेके मैं अपने जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है एंड थोड़ा बहुत यू नो अनइवन स्किन टोन है, वहाँ पे मैं इसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ही थोड़ा सा डार्किश पीचिश शेड लेके, जो इससे थोड़ा सा लाइट है, उसके ऊपर से अप्लाई करूँगी ताकि ऑरेंज जो शेड है वो कवर हो जाए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ न्यू प्रोडक्ट टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। येस, आई टुक अ रिस्क, एंड दिस इज मार्स का न्यू फाउंडेशन, हाई कवरेज फाउंडेशन। आई एम यूजिंग इट एज अ कंसीलर बिकॉज ये मेरे स्किन टोन से काफ़ी लाइट है। आई गॉट दिस इन PR, सो आई कुडंट फाइंड द परफेक्ट शेड जो मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच करता हो। This was the closest by the way, but I love the finish. It's super natural and dewy, and yet the coverage is pretty nice. Next, I'm using my all-time favorite Mars Trendsetting Loose Powder, and इसे लेके मैं Mars के ही brush से blend, I mean apply कर लूँगी मेरे पूरे face पे, set कर लूँगी मेरे base makeup को। मैं और कोई भी concealer या highlighting वाला concealer use नहीं करूँगी। Next, I'm using Mars का blush, and ये बहुत ही pigmented है and yet काफ़ी easy to work with वाला blush है। उसके बाद मैं पूरी बेस को सेट करूँगी यूजिंग मार्स सेटिंग स्प्रे, एंड इट्स द न्यू वर्जन, बहुत ही अमेजिंग है, एकदम 5-on-5 वाला सेटिंग स्प्रे है। नेक्स्ट आई यूजिंग मार्स स्मूथ ग्लाइड काजल इन द शेड मिडनाइट ड्रीम्स। इट्स अ डार्क नेवी ब्लू, काइंड ऑफ डीप ब्लू काइंड ऑफ शेड, बहुत ही क्रीमी है ये प्रोडक्ट बट लॉन्ग लास्टिंग एट द सेम टाइम। सो एकदम अप्लाई करने के तुरंत ही इसको ब्लेंड कर लेना, अगर ब्लेंड करना है तो मैं यहाँ पे फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए, इसके एजेस को थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। लास्ट में मैं फिर से एक बार सेम काजल को मेरे लोअर लैश लाइन के 1/3 अप्लाई करूँगी, एंड पूरा अप्लाई नहीं करना है। इफ़ यू हैव हुडेड आईज, उस आईज और भी छोटा लगता है। सो उसके बाद मैं मार्स का ये पैलेट लेके इसमें जो डार्क ब्लू शेड है उसको एंगुलर ब्रश के हेल्प से लेके लोअर लैश लाइन का जो काजल है उसको मैं स्मोक आउट करूँगी, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट दैट सेम थिंग ऑन माई अपर लैश लाइन टू। यू कैन जस्ट रिपीट कपल ऑफ टाइम्स दिस स्टेप्स। उसके बाद मैं लाइट ब्राउन शेड को लेके एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से मेरे क्रीज पे अप्लाई करूँगी अच्छे
थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी सर्कुलर मोशन पे। इफ़ यू हैव हुडेड आइज़ तो ये स्टेप आप कर सकते हो, इससे आइज़ थोड़ा सा बड़ा लगता है साइज़ पे। लास्ट में मैं फिर से एक बार एंगुलर ब्रश के हेल्प से जो ब्लू का शेड है आई शेडो उसको लेके मैं आउटर विंग पे थोड़ा सा लाइक बाहर की तरफ स्मॉल विंग शेप में उसको ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट आई एम पिकिंग दिस लाइट स्काई ब्लू शेड शिमरी शेड, इसे लेके अपने सेंटर आईलिड पे अप्लाई करूँगी फिंगर के हेल्प से ही एंड ब्लेंड कर लूँगी। एंड उसके ऊपर मैं फिर से एक बार डार्क ब्लू शेड को अप्लाई करके अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी ताकि थोड़ा और इंटेंसीफाई लुक मिले। एंड दिस इज़ द फाइनल आई लुक। ईजी है, काफ़ी सारा स्टेप्स है आई नो, बट अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना आपको आसान लगने लगेगा। उसके बाद क्योंकि इस पैलेट पे लाइट ब्राउन एक डार्क ब्राउन शेड था तो मैं उसी को लेके अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। आप चाहो तो अलग से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग मार्स का मस्कारा। मार्स का मस्कारा बहुत अच्छा होता है, बस एक ही प्रॉब्लम है वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, काफ़ी क्विकली आपको उसे डिस्ट्रॉक करना पड़ता है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम आई फील। मैं सेम काजल को लेके मेरे वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी अपर एंड लोअर फिर से एक बार। एंड उसके बाद मैं सेम पैलेट में इसे दो शेड को मिक्स करके अपने नोज़ को करूँगी कॉन्टोर। वेल यू कैन स्किप दिस पार्ट अगर आपको पसंद है, और जस्ट गो अहेड एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ योर फेस, आफ्टर ऑल इट्स योर फेस। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मार्स का ये हाइलाइटर। ये शेड थोड़ा सा ब्रॉन्जी शेड है जो मेरे पूरा जो वाइट वाला लुक है ना फेस में उसे कैंसिल आउट करेगा। एंड बहुत ही अमेजिंग सा हाइलाइटर है, काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड आई नेवर फॉरगेट टू हाइलाइट माई कॉलर बोन्स यू गाइस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर आप डीप नेक या फिर साड़ी ऐसा कुछ पहन रहे हो। सो मार्स का लिप रेंज तो बहुत सारा है, लाइक बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लिक्विड लिपस्टिक से लेके ग्लॉस एंड पता नहीं क्या क्या है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो बिकॉज बहुत ही अच्छा होता है मार्स का लिपस्टिक्स। मैं यहाँ पे ये जो पैलेट है लिप पैलेट इसको यूज़ करूँगी एंड इसमें से मैं एक लाइट न्यूड शेड लेके अप्लाई करूँगी, एक ओम्ब्रे लुक क्रिएट करूँगी विद अ लिप लाइनर। एंड आई एम डैबिंग अ टिश्यू, आई एम स्मैकिंग अ टिश्यू विद माई लिप्स टू क्रिएट दिस लुक मोर मैट एंड लॉन्ग लास्टिंग। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉन्टोर तो बनता है बिकॉज काफ़ी वाइट वॉश लग रहा था फाउंडेशन की वजह से मेरा फेस, तो मैंने फिर से मार्स का ये जो फेस पैलेट है इसमें से कॉन्टोर शेड को लेके अपने फेस को किया है थोड़ा सा कॉन्टोर। यस एंड अभी लग रहा है मेरा लुक एकदम कमाल राइट, एकदम मतलब फिनिश्ड प्रॉपर लग रहा है। सो या दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक यू गाइस। अगर आपने मेरा लास्ट हॉल देखा है आपको पता होगा ये ब्लाउज कहाँ से है, और पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। साड़ी है अमेजन से, इसमें से कुछ ज्वेलरीज ऑफलाइन है कुछ ऑनलाइन, अगर मुझे मिलता है लिंक तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। एंड या दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक, आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस। एंड अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के। आई सी यू नेक्स्ट टाइम एंड मेरे नेक्स्ट लुक यानी कि थर्ड लुक के लिए इंतजार करना बिकॉज वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द सीरम लिंक। एंड या आई सी यू गाइज next time, bye, take care.